वंदे भारत न्यूज चैनल के डायरेक्टर ने बेटी पायल पाल को देवी अहिल्याबाई होलकर की शील्ड देकर बेटे का उत्साह वर्धन बढ़ाया और सभी समाजजनों ने उज्जवल भविष्य की कामना की। बेटी ने संपूर्ण गडरिया धनगर पाल बघेल कोरबा गायरी समाज का नाम रोशन किया। बिटिया को बहुत बहुत संपूर्ण समाज की ओर से बधाई शुभकामनाएं। बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमेशा बिटिया एवं बिटिया के परिवार पर बना रहे। बेटी हमेशा इसी तरह से समाज का, प्रदेश का और अपने जिले और अपने जिले में नगर का नाम रोशन करती रहे। प्रदेश स्तरीय धनगर महासंघ द्वारा घुमंतू अर्ध घुमंतू जनजाति सम्मेलन में बेटी पायल पाल का समाज पदाधिकारियों एवं बड़वानी एसडीएम घनश्याम धनगर एवं वंदे भारत न्यूज चैनल के डायरेक्टर कमल केमिकल के एमडी द्वारा किया गया। बेटी पायल पाल का बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सम्मान। सम्मान करती है और ऐसे बेटिया और बेटे हमारे समाज का मान सम्मान गौरव बढ़ाते हैं, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे बेटियों को बहुत बहुत नमन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ और भी हमारे घुमंतू जनजाति महासंघ जो कि 53 जिलों में काम कर रहा है, इन जिलों में कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य किया है, समाज में जो प्रमाण पत्र बनवा है, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनका जो प्रयास है उसके हम सब रेडी है और उन्हीं में से हम कुछ नाम यहाँ ले रहे हैं। मंच के माध्यम से आप आ जाए। जनपद दोनों जनपद अध्यक्ष है यहाँ, तो ये बहुत गर्व का विषय है। सभी को आगामी भविष्य की शुभकामनाओं के साथ और अंत में आप सभी का संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, ये लोग तो हमारे बनाए हुए पर इन लोगों ने तुम लोगों को बनाया है। तो मैं आप लोगों को पहले धन्यवाद दूंगा, बाद में इन सबको ज्ञान सिंह, सिर्फ ज्ञान सिंह से हम आज ही मिले हैं, आप लोगों की जानकारियों के लिए बता देता हूँ। राजू सिंह करीब करीब 10 साल के आसपास हो गए, जी एस धनकर साहब उतने ही साल हो गए, मधुसूदन जी 1.5 साल पहले मैं फिर यहीं इसी धर्मशाला में आया था, तो उस दौरान मैं इस क्षेत्र में घूमा था, तब मुलाकात हुई थी। जो राजनीति की बात कर रहे थे, भोपाल की बात कर रहे थे, मैंने मन में जो सोचा हुआ है, ज्यादा नहीं 5 के लिए सोचा हुआ है। अब उन 5ों को वहां तक भेजना आप लोगों की जिम्मेदारी है। कोई पार्टी नहीं देखनी, सिर्फ जैसे बीएसपी का आदमी होता है ना, कैडर होता है, पार्टी का कार्यकर्ता होता है, वो कैंडिडेट नहीं देखता, वो सिर्फ क्या देखता है, चुनाव चिन्ह आती है ना, बस ऐसे हमें कुछ नहीं देखना, अपने समाज का आदमी है ना, तो समाज फर्स्ट पार्टी सेकंड नीति अपनाओ। कम से कम 5 विधायक भोपाल में के इस बार बदलाव करके दिखाओ। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पुरी जी। अभी हमारे बीच में हमारे सामने मंच से जो बैठे हैं आप सभी भी
पाल सिंह जी छतरपुर से आप भी आ जाए। राम सिंह जी धन्यवाद दोस्तों, स्वागत किया है नंदन नाथ का। साइड में बड़े फोटो में दिक्कत आ रही है जितने भी मंच के समीप है सभी लोग थोड़ा सा दूर हो जा रहे हैं। जितने भी लोग मंच के समीप है जिन लोगों का काम नहीं है थोड़ा दूर हो जाओ। व्यवस्था को बनाए रखें, ये व्यवस्था हमारी है, इसको बनाए रखें प्लीज। आप सभी से निवेदन है कृपया आप इस कार्यक्रम को थोड़ा सा हमने आगे कुछ विषय को बात किया, हमारे इस दिन का उद्घाटन भी होना है तो कृपया सभी अखंड में स्थान पर भेज जाए। सभी लोग अपनी जगह पर भेज जाए। अर्जुन जी लोकेश जी पाल अशोक नगर से मंच पर आ जाए। मंच में आसपास जो और लोग हैं वो मैं लिया चला था ताकि वीडियो फोटो लेने में कोई दिक्कत ना हो। मुकेश जी पाल अशोक नगर से हम जिन लोगों का नाम ले रहे हैं मंच पे आते जाए नाम बता दो। अर्जुन जी धनगर जी सीहोर से, मुकेश जी धनगर बड़वानी से, मुकेश धनगर साहब बड़वानी से, दुर्गेश जी बघेल जी गुना से, चलो जल्दी आ जाओ नाम ये सब नाम आ जाए जितने भी अरे बदल सकते हो बोला। किरण बघेल जी शिवपुरी से, इंद्र पाल सिंह जी छतरपुर से,